बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं हूं अब्दुल रज़ाक चिनोटी फर्नीचर ऑफिशियल .com की तरफ से दोस्तों वेलकम करता हूं आज की फिर इस इंटरेस्टिंग वीडियो के अंदर। तो गाइस, आज की वीडियो हम बात करने वाले हैं इस कंसोल के बारे में। ये आप कंसोल देख रहे हैं, ये चेस्टर टाइप पड़ा है, इसके ऊपर फ्रेम है। तो दोस्तों आगे जाकर मैं तमाम मटेरियल के साथ उसके बारे में बताऊंगा कि इसके अंदर लकड़ी जो इस्तेमाल की है वो कौन सी है, उसके अलावा ये जो चीज़ें हैं जिसका रेट जो प्राइस है वो तमाम चीज़ें मैं आपको बताऊंगा। अगर आप हमारी वीडियो पहली दफ़ा देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। चलिए दोस्तों, बढ़ते हैं आज की अपनी वीडियो की जानिब। दोस्तों ये कंसोल जो आप देख रहे हैं इस टाइम, ये मुकम्मल शीशम की जो टाली की लकड़ी होती है ये उसके अंदर बनी हुई है। ये साइड इसका डिज़ाइन आप देख सकते हैं, फ्रंट साइड पर इसका जो डिज़ाइन है देख सकते हैं, टोटल शीशम की लकड़ी होती है, टाली की लकड़ी है उसके अंदर बनी हुई है। ये ऊपर वाला हिस्से का फ्रेम का हिस्सा जो होता है उसी वैसे वाला डिज़ाइन है। टोटल कार्विंग के अंदर ये चिनोटी कार्विंग जो होती है ये आपको ये देख रहे हैं। फिर डीको पेंट के अंदर भी आप करवा सकते हैं, इस टाइम ये आप देख रहे हैं नेचुरल हाई क्लास जो होती है पॉलिश ये उसके अंदर की गई है। वैसे कंसोल की अगर हाइट के बारे में बात करूँ तो मैं ये वाला जो नीचे वाला इसका हिस्सा होता है ये इसकी कम से कम 32 इंच इसकी ऊंचाई होती है, 32 से 33 इंच। ऊपर वाले फ्लेम की जो हाइट होती है वो आप देख रहे हैं, ये 4 मुरब्बे के अंदर, 4 फिट मुरब्बे के अंदर तकरीबन होता है। इसके अलावा ये चेस्टर पड़ा है, ये साथ इसके फ्रेम है, ये फ्रेम है इसका, ये चेस्टर नुमा है, ये नीचे इसका चेस्टर पड़ा हुआ है, ये संदूक टाइप जिस तरह हमें कपड़े वगैरह रखने के लिए ये चीज़ आप देख रहे हैं। उसके बाद जो कार्विंग की गई है मुकम्मल जो है ये भराई हुई है लकड़ी के अंदर, सिप की भराई जो होती है पिंच का आप इसके दे सकते हैं। नेचुरल हाई क्लास को पॉलिश की गई है। अगर इस पर आप डिको कलर करवाना चाहते हैं तो वो भी हो जाएगा। ये फ्रेम जो है अगर आप अकेला रखना चाहते हैं या इसके ऊपर लगाना चाहते हैं वो आपकी अपनी मर्ज़ी है, लगा सकते हैं। इसका हम पिक्चर फ्रेम जो मिरर फ्रेम, ये एक चेस्टर था, कंसोल है, इसके अलावा ये कॉफ़ी टेबल्स हैं, दो एक फ्रेम ये पड़ा है, ये फ्रेम देख सकते हैं आप, ये कॉफ़ी टेबल होते हैं वो, ये थोड़ा सा जूम आपको करके दिखाता हूँ। ये फिनिशिंग आप चेक कर रहे हैं इसकी, ये चीज़ देख रहे हैं, ये साइड वाले से आपको डिज़ाइन दिखाता हूँ। ये सिर्फ पाई का डिज़ाइन है, साइड इसकी सॉलिड है। ये ऊपर फ्रेम ऐसे हमने रखा है जो उन्होंने बनवाया था फ्रेम, इसके अलावा आप चेंज अगर करवा सकते हैं फ्रेम, अगर अकेला मिरर बनवाना चाहते हैं वो बन जाएगा। ये नीचे वाला चेस्टर जो है ये आप अगर बनवाना चाहते हैं तो ये भी बन जाएगा अकेला। इसके अलावा ये कंसोल का डिज़ाइन है, मैं थोड़ा सा जूम करके आपको दिखा दूँ, ये चीज़ देख करें, मुकम्मल जो शीशम की लकड़ी होती है, टाली की लकड़ी है उसका। ये तो गाइस, उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। दोस्तों आगे बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर। अल्लाह हाफिज़।